विमान दुर्घटनाओं का इतिहास बड़ा अजीब रहा है। कभी बड़े हादसों के बाद भी विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित बच गए, तो कभी हादसों ने सभी की जान ले ली। जी हाँ, आपने सही सुना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे, जिसमें हम आपको बताते हैं दुनिया की ऐसी अजीबोगरीब बातें जो आपको हैरान कर देती है, और ऐसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे, क्या सच में ऐसा हो सकता है। आज के इस खास वीडियो में हम आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे खतरनाक विमान हादसे लेकर आए जो सचमुच को हैरान परेशान कर देंगे। अगर आप भी विमानों में सफर करते हैं या सफर करने की चाह रखते हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो के नीचे जो बेल आइकॉन है उसे जल्दी से प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारे चैनल के जरिए दुनिया से जुड़ी अजीबोगरीब तथ्यों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहां हम आपको दुनिया के 10 ऐसे बड़े विमान हादसों के बारे में बता रहे हैं जिनमें सबसे ज्यादा लोगों की जान गंवानी पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है एयर कनाडा फ्लाइट 797 हादसा। मिली जानकारी के अनुसार 2 जून 1983 को एयर कनाडा फ्लाइट 797 का एक मैकडोनल्ड डगलस डीसी 932 टेक्सास से मॉन्ट्रियल जा रहा था। तभी क्रू मेंबर ने 3300 फीट की ऊंचाई पर से देखा कि प्लेन के पिछले हिस्से में बने शौचालय से धुआं निकल रहा है, जिसके तुरंत बाद पायलट ने सिनसिनाटी के एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। इस घटना के चलते विमान में सवार 46 लोगों में से 32 लोगों की मौत हो गई। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका। इस हादसे के बाद एविएशन में सुरक्षा के लिए बड़े सुधार किए गए और सभी विमानों के शौचालयों में स्मोक डिटेक्टर और ऑटोमेटिक आग बुझाने वाली मशीनें लगाई गई। साथ ही जेट लाइनर्स की सीटों पर अग्नि प्रतिरोधी परत लगाई गई ताकि आग पर तुरंत काबू पाया जा सके। आगे बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर, यूनाइटेड एयरलाइंस डगलस DC-7 हादसा। यह हादसा 30 जून 1956 को हुआ, जब TWA लॉकहिल सुपर और यूनाइटेड एयरलाइंस डगलस DC-7 आपस में टकराकर ग्रैंड कैनॉन में बिखर गए थे। बता दें कि TWA लॉकहिल सुपर में 6 क्रू मेंबर के साथ 64 यात्री थे और डगलस DC-7 में 5 क्रू सदस्यों के साथ 53 यात्री थे। इस हादसे में कुल 128 लोगों की मौत हुई थी। इस दुर्घटना के बाद एविएशन में सुरक्षा के लिए बड़े सुधार किए गए और $250 मिलियन की राशि खर्च करके एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को दोबारा शुरू किया गया। आपने शायद ही सुना होगा नंबर 8 के बारे में, यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 173 हादसा। 28 दिसंबर 1978 को यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 173 ओरेगन के सब अर्बन इलाके पोर्टलैंड में क्रैश हो गया था। यह विमान पोर्टलैंड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाला था। इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश में प्लेन एयरपोर्ट के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में सभी क्रू मेंबर समेत 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 यात्री घायल हुए। इस हादसे के बाद एविएशन में सुरक्षा के लिए बड़े सुधार किए गए और कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट यानी CRM अपनाया गया, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। नंबर 7 पे है ऐसा हादसा जो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, डेल्टा एयरलाइन फ्लाइट 191 हादसा। 2 अगस्त 1985 को टेक्सास के डलास में दोपहर के बाद मौसम कुछ खराब था। तापमान ज्यादा था लेकिन नमी भी थी। दोपहर के टाइम डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट 191 ने रनवे से उड़ान भरी। इस लॉकहिल्ड L1011385 में 167 यात्री सवार थे। 800 फीट की ऊंचाई पर एक विस्फोट हुआ और कुछ ही सेकेंड में विमान रनवे पर और हाईवे पर आ गिरा। इस हादसे में 137 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री में सुरक्षा के लिए बड़े सुधार किए गए और अमेरिका के स्पेस एजेंसी यानी NASA ने विंड शियर डिटेक्ट रडार तैयार किए, ताकि ऐसी घटनाओं से निजात पा सके। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपको हमारे वीडियो से जुड़े अपनी राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं नंबर 6 के साथ, एरो मैक्सिको फ्लाइट 498 हादसा। साल 1956 में ग्रैंड कैनॉन में हवाई दुर्घटना के बाद ATS सिस्टम बने एयरलाइंस के अलग अलग रूट बनाए गए थे। इससे हादसे रोकने में बड़ी मदद मिली थी। इसके बावजूद लॉस एंजलिस में 31 अगस्त 1986 को एक निजी 4-सीटर पाइपर आर्चर विमान को कंट्रोल रूम का सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया। बता दें कि इस हादसे में 82 लोगों की मौत हुई। इस हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री में सुरक्षा के लिए बड़े सुधार किए गए और छोटे विमानों को नियंत्रित एरिया में प्रवेश देने के लिए ट्रांसपोर्ट्स का प्रयोग किया जाने लगा। इसके अलावा विमान कंपनियों को भिड़न से बचने वाला सिस्टम यानी TCS-2 लगाना शुरू कर दिया। ये नंबर 5, जिसे सुनते ही आप बोलेंगे कि बाल बाल बच गए, अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट
243 हादसा 28 अप्रैल 1988 को अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 का बोइंग 737 विमान के ढांचे की बड़ी खामी उजागर हुई। हिलो से हवाई के होनोलुलु के लिए उड़ान भरने वाले इस विमान में 24,000 फीट की ऊंचाई पर हादसा हुआ। प्लेन में 89 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। इस हादसे के बाद एविएशन में सुरक्षा के लिए बड़े सुधार किए गए और एयर कैरियर मेंटेनेंस प्रोग्राम और निगरानी कार्यक्रम शुरू किए गए। इसके अलावा इंजीनियरिंग डिजाइन के गुणवत्ता के लिए नए मापदंड तैयार किए गए। नंबर 4 पर है यूएस एयर फ्लाइट 427 हादसा 8 सितंबर 1987 को अमेरिकी एयर फ्लाइट 427 का बोइंग 727 पिटबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहुंचा। यह 6,000 फीट की ऊंचाई पर था, तभी अचानक रडार लेफ्ट साइड में खिसक गया। प्लेन गोता खाने लगा। क्रू ने इसे नियंत्रित करने की काफी कोशिश की, लेकिन इसे रोका नहीं जा सका। इस हादसे में सभी 132 लोग मारे गए। इस हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री में सुरक्षा के लिए बड़े सुधार किए गए और बोइंग ने $500 मिलियन खर्च करके 2800 जेट विमानों में पुराने रडार के पुर्जे बदलकर नए लगाए गए। आप ये चैनल पर देख रहे हैं विमानों से जुड़ी कुछ रोचक बातें, क्योंकि मुझे पता है कि आप वीडियो में इतने खो गए होंगे कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आप तक हमारी वीडियो तुरंत मिलती रहेगी। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर, वालूजेट फ्लाइट 572 हादसा 11 मई 1996 को वालूजेट फ्लाइट 572 ने फ्लोरिडा स्टेट की मियामी सिटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 110 लोगों को लेकर अटलांटा के लिए उड़ान भरी थी। इसके कार्गो कंपार्टमेंट में आग लगने से ये एयरग्लेड्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान तकनीकी कारणों से 1 घंटा 4 मिनट की देरी से उड़ान भर सका था। इस हादसे में सभी 110 लोग मारे गए थे और आग को हादसे की वजह माना गया। इस हादसे के बाद एविएशन में सुरक्षा के लिए बड़े सुधार किए गए और सभी एयरलाइनर्स के लिए कार्गो केबिन में आग बुझाने वाले ऑटोमेटिक उपकरण का लगाना अनिवार्य कर दिया। नंबर 2 पे एक ऐसा हादसा जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है, TWA फ्लाइट 800 बोइंग 747 हादसा 17 जुलाई 1996 को JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पेरिस के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन यह अटलांटिक सागर में डूब गया। विमान में 230 लोग सवार थे। हादसे में सभी यात्रियों की मौत हो गई। विमान के मलबे को खोजा नहीं जा सका। तमाम अफवाहों के बीच 4 साल की जांच के बाद फ्यूल टैंक में आग लगने की आशंका जताई गई। इस हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री में सुरक्षा के लिए बड़े सुधार किए गए और बोइंग ने एक फ्यूल एंट्री सिस्टम तैयार किया। यह फ्यूल टैंक में नाइट्रोजन गैस पहुंचाता है, जिससे विस्फोट की संभावनाएं काफी कम हो जाती है। अब आते हैं नंबर 1 पर, ऐसा हादसा जिसे सुनते ही आप अगली बार विमान में सफर करने से पहले 100 बार सोचेंगे, स्विस एयर फ्लाइट 111 हादसा। स्विस एयर की फ्लाइट 111 न्यूयॉर्क से जिनेवा जा रही थी। बता दें कि अचानक कॉकपिट से धुआं निकला और 4 मिनट बाद पायलट ने विमान को नीचे किया। विमान नोवा स्कॉटिया से 65 किलोमीटर दूर अटलांटिक सागर में जा गिरा। इस घटना में 229 यात्रियों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद एविएशन में सुरक्षा के लिए बड़े सुधार किए गए और मेलर इंसुलेशन कंपनी ने 700 मैकडोनेल डगलस जेट की नई वायरिंग लगाई। यह थी विमानों से जुड़ी कुछ खास बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ अपने आइडियाज भी शेयर करें और साथ ही कमेंट में ये भी लिखें कि आपको अगली वीडियो कौन सी देखनी है, ताकि हम जल्द से जल्द उससे जुड़ी जानकारी आप तक पहुँचा पाएंगे। और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे दिलचस्प जानकारियों के साथ। देखते रहिए, नमस्कार।